श्री राम। हेलो लेजेंड्स, जय श्री राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। भाई आज का सीन है ना, कुछ बहुत ही ढांसू तरीके से हो रखा है अपने गांव में। ये हमें अपने गांव के जो हमारा गुरुद्वारा है, तीसरी मंजिल का गुरुद्वारा बनाया हमने, अभी वही गुरुद्वारे से ही खड़े होके मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। बाकी आज का जो सीन है ना भाई, आप चेकआउट करो भाई, बहुत ही खतरनाक हो रहा। सनसेट टाइम है, अभी शाम के हो रखे 6 बज रहे और अभी का जो सनसेट टाइम है ना भाऊ, बहुत ही खतरनाक। बाकी आप अभी फिलहाल सिनेमैटिक वीडियो देखिए, उसके बाद हम ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। कमेंट में बताना अपना सिनेमैटिक वीडियो कैसा लगा आपको। बाकी और अच्छे अच्छे ढासू ढासू तरीके से हम ब्लॉग लेते आया करेंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और आज हमारे साथ है हमारा कालिया भैया, कालिया उस्ताद, इसका भी चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाना और वहाँ जाके भाई को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं और इनका कंटेंट शॉर्ट वीडियो बनाता है। बाकी कितने सब्सक्राइबर है तेरे? 135 सब्सक्राइबर कर लिए इन्होंने। कितने दिन में हो गए तेरे? 8 ही दिन में 135 सब्सक्राइबर कर लिए, क्योंकि ये मतलब शॉर्ट वीडियो बनाता है, बहुत ही अच्छे कंटेंट डालता है। बाकी आपने भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मुझे नहीं किया तो भाई सब बार बार बोलता हूँ मैं, मुझे सब्सक्राइब कर लेना, और इससे भी अच्छे अच्छे मैं ब्लॉग यहाँ लेके आया करूँगा। ताकि भाई आज का सीन है ना, बहुत ही खतरनाक हो रखा है। मतलब यहाँ का जो मैंने आज तक, मैं अभी 19-20 साल का हो गया हूँ, मैंने आज तक ऐसा भाई सीन नहीं देखा कि मेरे गांव में इतना अच्छा खूबसूरत दिखता होगा। क्योंकि मैं आज सबसे तीसरी मंजिल पे खड़ा हूँ, यहाँ से ना भाई दूर दूर तक मेरे आसपास के जितने भी गांव होने सारे गाँव यही से दिख रहा है मुझे। उस साइड अगर देखो तो उस साइड पानसेमल साइड आता है, वहाँ बहुत सारे गाँव है। इस साइड मोरतले है और उधर की साइड मेलन तो बहुत दूर है। बाकी यहाँ जो मोरतले का साइड है वो भी दिख रहा है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, बाकी मुझे दिख रहा है। और यहाँ का जो पहाड़ है ना भाई, पहाड़ों का तो कुछ अलग ही लेवल का हिसाब है। आप देख सकते हो पहाड़, आपको इतनी खास नहीं दिखेगी क्योंकि भाई मेरा थोड़ा कैमरा, मोबाइल का कैमरा थोड़ा लूज है। बाकी मैं तो देख रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक सीन है। क्यों, तुझे कैसा लगा भाई? कोई पूछ ले कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा मेरे को तो लग रहा है, मैं तो हैंडसम लग रहा हूँ। बाकी ये भाई तो काला ही दिख रहा है, गजब बेइज्जती है। क्यों काले भाई? अपना गांव है ना, स्वर्ग से कम नहीं है भाई। मतलब बहुत ही मस्त फीलिंग है यहाँ, कोई अलग ही हाई लेवल की है, बहुत ही हाई लेवल की है। और आके मेरे कुछ दोस्तों ने उधर की साइड और उधर की साइड भी है, जो कि मैं एक बंदे को दिखाता हूँ, लड़की पे लाइन मार रहा शायद। हाँ भाई, लड़कियों पे लाइन मार रहा है वो, बस वही पिक्चर है यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। जो भी सिटियों में रहते हैं ना भाई, उनको पता है कि गांव की अहमियत क्या है, क्योंकि वहाँ सिटियों में भज भज किरकिर सब दुनिया भर की बकबक रहती है। यहाँ आके एकदम लगता है कि भाई स्वर्ग में आ गए, सुकून सा लगता है यार। और यहाँ देखने भी सुकून सा लगता है और सही में सुकून ही लगता है गाँव में। बाकी आप किस गाँव से कमेंट में। और अभी का टाइम है ना, बहुत मस्त हो रहा है सनसेट टाइम में, तो मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पे एक दो रील शूट कर लूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैं लिंक दे दूंगा, आप जाना और फॉलो ज़रूर कर लेना। बहुत ही अच्छी अच्छी रील डालता हूँ, कंटेंट डालता हूँ। खालिया, वो टंकी दिख रही है? ये हमारे गांव की टंकी है ना भाई, किसी दिन वहाँ जाके एक बार ब्लॉग शूट करूँगा, वहाँ से पूरा गाँव दिखेगा। और पूरा गांव दिखेगा वहाँ से, मतलब हमारा जो गांव का शुरुआत है वहीं से होती है। हम मतलब लास्ट के साइड पे रहते हैं, पीछे के साइड नदी के साइड। बाकी जैसे कि आप देख सकते हो, यह है हमारी नदी, खेत, पहाड़ और ये है हमारा स्वर्ग। और आपको मेरा घर बताऊं, ये है मेरा घर, ये जो नीचे है ना वाइट वाला, वहाँ लिखा है वाहेगुरु और इधर की साइड लिखा है जय श्री राम और यह है खंडा। बाकी मेरा घर देख लो भाई, गरीब का घर है। थोड़े ज़रा YouTube पे सक्सेस हो जाए तो बनाएंगे बंगला, बहुत ही भयंकर तरीके से। तो भाई ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आपको और एक सिनेमेटिक वीडियो देता हूँ मैं, तब तक आप इंजॉय करो।
आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं अभी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।